जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान में। थोड़ा आप आगे आ जाएं भाई लोग, आगे मतलब बीच में जो गैप है उसे फिलअप कर दें, अभी और भी लोग आएंगे तो शांति से सुन सकें, गैप बिल्कुल नहीं छोड़ें बीच में, और आगे जगह भर के आप बैठें। हाँ जी, ये जो बंध मोक्ष पूजन की जयमाला है इसमें दो तीन बातें बहुत मर्म की उद्घाटित की हैं, उन पर मुझे चर्चा करनी है। पहले तो बंध किससे होता है ये, दूसरी ये कि ये आत्मा जीवों का मरण जीवन कैसे होता है, कौन करता है कौन नहीं करता है, दूसरी ये इनका पूरा उत्तरदायी कौन है ये, और इतनी बात तो जयमाला में है और कुछ एक दो बातें जो जयमाला में भी नहीं आ पाई हैं लेकिन मोक्ष अधिकार में हैं, कि हमारे पास आखिर उपाय क्या है, साधन क्या है, उसकी चर्चा भी मुझे आपसे थोड़ी करनी है। शांति से आप सुनेंगे तो अपने सब बातें जो मेरे दिमाग में इस अधिकार के इस पूजन के संदर्भ में हैं वो सब मैं आपके सामने रख सकूंगा। देखो अपने इसे पढ़ते हैं, पहला दोहा और अंतिम दोहे, ये तो आपको ये स्पष्ट बता रहे हैं कि इसके पहले क्या हो गया है और अगले अधिकार में क्या आएगा, इसकी संधि को बताने वाले हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि महाकाव्यों का ये नियम होता है कि पीछे क्या हो गया है आगे क्या होने वाला है इसे भी बताते हैं। आपने पुरानी शील कथा वगैरह की जो कहानियाँ थी चलती थी ना, दर्शन कथा शील कथा भी कभी पढ़ी हैं? अब तो लोग उन्हें भूल ही गए हैं। मैंने उन्हें बहुत गहराई से पढ़ा है, वे किस शैली में लिखी जाती थी उस शैली का भी गहराई से अध्ययन किया है। हर कहानी यहाँ से शुरू होती थी, जम्बू दीप दीपन में सा भरत क्षेत्र तामे सुख कार, फिर दो चार रोष पंक्तियाँ होंगी, फिर आएगा एक समय विपुला चलती समोसरण आयो माँ भी, फिर दस पांच पंक्तियाँ जाएंगी, फिर एक पंक्ति आएगी, सब नक्की थी इस पर कि राजा सैनिक ने गौतम स्वामी से पूछा, महावीर से पूछा कि हे भगवान आज तो मैं धन्य कुमार की कहानी सुनूंगा, और फिर भगवान महावीर ने वो धन्य कुमार की कहानी सुनाना शुरू कर दी, और इस तरकीब से ही वो हर कहानी सुनाते थे। जब मैं पंडित टोडरमल पर रिसर्च कर रहा था तो उदयपुर में मुझे एक किताब मिली थी, छपी छपाई थी, 150-200 वर्ष पुरानी, बिल्कुल फटी फटाई हालत में थी। उसमें लिखा था, किताब का नाम था मिथ्यात्व खंडन, और उसमें ये लिखा था वो ये इसी स्टाइल में कि एक समय विपुलाचल तीर समोसरण आयो महावीर, और फिर महावीर से राजा सैनिक ने पूछा कि इस पंचम काल में इस जमाने में ये जो मिथ्यात्व का प्रचार कौन करेगा, तो उनने बताया कि जयपुर में एक टोडरमल नाम का पंडित होगा वो मिथ्यात्व का प्रचार, ये लिखा था उसने। मैंने ये भी भगवान महावीर ने राजा सैनिक से कही थी, मैंने वो पूरी स्टाइल, ये पूरा कहा कथा साहित्य है, हजारों कहानियां भट्टारकों ने लिखी एक ही स्टाइल में। आप लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं, जानना चाहिए, समझ गए ना, कि उसमें वो ये बता दे, मैं जिसके लिए आपको ये बात बताई कि उसमें मान लीजिए
कि सील कथा चल रही, कि दर्शन कथा चल रही है, जो भी मनोरमा है जो भी है, तो वो अपने पीहर में हुई, फिर वो ससुराल में क्या हो रहा, यहाँ पीहर में क्या हो रहा। तो ये जब बदलते हैं तो एक पंक्ति आती है शांति जी, कौन सी, यहाँ की कथा यहाँ ही रही, आगे और सुनो जो भई। अब यहाँ की कहानी यहीं छोड़ दो, अब आगे की कहानी सुनोगे वहाँ क्या होगा, नहीं आया सुनो यहाँ की और वहाँ की क्या। नवीनाथ की बारात चली, राजुल के यहाँ जा रही थी, तो वर्णन किया कि बहुत साजा थी, स्वागत के लिए बहुत तैयारियाँ थी, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। फिर कहेंगे यहाँ की कथा यहाँ ही रही, अब आगे और सुनो कि नवीनाथ की बारात वहाँ से आ रही थी, उसमें कौन कौन था, बाजे कैसे थे, रथ प्यादे कैसे थे, झालें कैसी लटक रही थी, फिर उनकी बात कहेंगे। फिर बारात को किनारे पर ले आएंगे और फिर कहेंगे यहाँ की बात यहाँ ही रही, आगे और सुनो जो भाई। मैंने इस विधि से वो कहानी को बिल्कुल गद्य में पद्य में ही चलाते थे। हिंदी का कथा साहित्य, इस पर एक पूरी पीएचडी हो सकती है क्या, और कहाँ कहाँ से क्या क्या सामग्री उसे मिलेगी और उसे कैसे प्रस्तुत करना चाहिए, वो सब मैं उसे बता सकता हूँ पाँच मिनट में पूरी 400 पेज की किताब लिखी जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। ये सब बिल्कुल सुनिश्चित है, मैंने वो ही आपको यहाँ बता दिया कि मैं आज आपको एक घंटे में क्या बताने वाला हूँ, और वो यहाँ उसी बुद्धि से वो चीज़ें आई हैं, उसी पद्धति से आई हैं। देखिए ये मानव छंद है, मानव छंद जानते हैं आप, बोलते तो आप हमेशा ही हैं, ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर के पानी है क्या, उनकी कहानी सुनो जिन्होंने अपनी जान की बाजी इस देश की आज़ादी में लगाई है क्या है? वो छंद है जे, कर्मों से नहीं बंधा मैं, ना हिंसा से चेतन की, तन मन वचनों से भी मैं अब तक तो नहीं बंधा हूँ, पंचेंद्रिय के भोगों से बंधन में नहीं पड़ा हूँ, रागादिक भावों से ही बंधन में यहाँ पड़ा हूँ। मूल कथाओं में है ये बात, क्या कह रहे, सारा जगत समझता है कि मैं कर्मों से बना, कर्मों ने मुझे जकड़ रखा है, और हमने तो भगवान के सामने पूरी अदालत खड़ी कर दी, एप्लीकेशन लगा दी, इन्हें मिले दुष्ट घनेरे कियो बहुत बेहाल, सुनिए साहब मेरे इनको नेकु बिगार, मैं कछु नाई कियो हूँ बिन कारण महाराज, बहु विधि बैर मैं प्रभु एक लो, ए मेले दुष्ट घनेरे ए मेले अष्ट घनेरे कियो बहुत बेहाल, सुनिए साहब मैंने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, इनने मेरे बिना मतलब मुझे बहुत तकलीफ दे, अब बस मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ क्या, इनको देऊ निकार, दुष्टन देऊ निकार और साधु ने खो रख लीजिए, दुष्टों को निकाल दो और साधुओं को रख लो, क्योंकि ये तो समझता मैं तो बहुत सज्जन हूँ तो मैं तो रख ही लिया जाऊँगा। मानो भगवान कहते हैं कि हम दुष्टों को निकाल देंगे, निकलो सबसे पहले तुम निकलो क्योंकि तुम दुष्ट हो। हैं, मैं दुष्ट हूं क्या, हाँ दुष्ट किसे कहते हैं, दो जुहवा वाले दुष्टत्व दुई इष्टत्व दुष्ट, जो दो जगह मोह मिलाए, माने मायाचारी को दुष्ट कहते हैं,
यहाँ भी मोह मिला है, वहाँ भी मिला मोह मिला है। प्राकृत भाषा की देवसाध गुरु पूजन है, उसमें लिखा है दुष्ट, अपन बोलते हैं एक आठवीं कर्म दुष्ट हैं, उसका दुष्ट कर्मेंधन दुष्ट, सब मैं पंक्ति भूल रहा हूँ, कर्माष्ट दुष्ट, आठ ही कर्म दुष्ट हैं और तुम उनमें से किन्हीं को दुष्ट मानते हो और किन्हीं को सज्जन मानते हो, ये तुम्हारी मायाचारी है इसलिए तुम दुष्ट हो, ऐसा लगा। अब यहाँ एक पहली बात है, मैं कर्मों से नहीं बंधा हूँ। अभी माताएं बहनें सब बच्चे बच्चे, चाहे मुमुक्षु हों चाहे गैर मुमुक्षु हों, चाहे मुनिपंथी हों चाहे दिगंबर हों चाहे श्वेतंबर, हमें कर्मों से बंधे, कर्मों से बंधे। ये बंध अधिकार है जिसमें काय से बंधे, ये बात कही जा रही है मूल गाथा में कि एक महाराज तुम ये बताओ ना काय से बंधे, काय से नहीं बंधे ये क्यों बताते हो? कि जब जब तुम्हारे में दिमाग में जितने कीड़े लगे हैं पहले उनकी सफाई नहीं होगी तब तक घाव की मलम पट्टी करने से घाव ठीक नहीं होगा। एक कीड़ा ये लगा है कि मैं कर्मों से बंधा, तो कहते तुम कर्मों से नहीं बंधे हो। कर्मों से नहीं बंधा मैं ना हिंसा से चेतन की, और मैंने जीवों की हिंसा की इसकी वजह से मैं बंधा, तो कहते कि ये बात भी गलत है, जीवों की हिंसा से बंध नहीं होता, ये लिखा है इसमें। मन वचन तन तन मन वचनों से भी मैं मन वचन काय की चंचलता से भी नहीं बंधा हूं, अब तक मैं नहीं बंधा हूं। अब कहते पांच इंद्री के भोग भोगे ना, इससे बंधे हो ना, तो पंचेंद्री के भोगों से बंधन में नहीं पड़ा मैं इसलिए भी बंधन में नहीं पड़ा। अरे क्या कह रहे, ये तो मैंने तो सीधा शांत रस में लिखा है, बनारसी दास ने लिखा, बनारसी दास का सुनो बहुत अच्छा, कर्म जाले वर्ग न सो जग में ना बंधे जीव, बंधे न कदापि मने बच्चे काय योग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो ना बंधे जीव, बंधे ना ही पंच इंद्रियन के भोग सो। क्या लिखा समझे न, आठ कर्मों के जाल से मैं नहीं बंधा हूं, मन वचन काय की चंचलता से मैं नहीं बंधा हूं, चेतन अचेतन की हिंसा से मैं नहीं बंधा हूं, और पांच इंद्रिय के विषय भोगों से मैं नहीं बंधा हूं। ये चार बातें कहीं और चार उदाहरण दिए, चार उदाहरण आधी लाइन एक लाइन में, इतना संक्षिप्तीकरण साधारण कवि का काम नहीं है। ये जो चार महासत्य कहे ना, कौन कौन से पूछूंगा, अभी बच्चियां बताएंगी, ये तुम्हारे बस की नहीं है, तुम आराम करो। कर्मे जाल बरगणा सो जग में ना बंधे जीव, कर्मों से नहीं बंधा है, बंधे ना कदापि मन ने बच काय योग सोम, मन वचन काय की चंचलता से भी नहीं बंधा है, चेतन अचेतन की हिंसा सोना बंधे जीव, चेतन अचेतन की हिंसा से भी नहीं बंधा है, और बंधा ना ही पंच इंद्रियन के भोग सो, पांच इंद्रियों के भोग भोगने से भी नहीं बंधा है। चार बातें, चार उदाहरण, कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, अज्ञाता विषय भोग सो। चार उदाहरण, सिद्ध भगवान जहाँ रहते हैं उसी जगह पर उसी आकाश के प्रदेशों में कारमान बरगणाएं भी रहती हैं, माने कर्म का कच्चा मटेरियल वहाँ खचाखच भरा है। यदि कर्मों से जीव बंधता होता तो सब सिद्धों को बंध जाना चाहिए, अभी नहीं बनते, इससे सिद्ध होता कर्मों से जीव नहीं बंधा। एक उदाहरण, दूसरा
एक मन वचन काय की चंचलता से बनता है जीव। तो अरहंत भगवान के सबसे जाने मन वचन काय चंचल होते हैं। हम मन वचन काय को रोको, चंचलता से कम करो, ऐसा करो ऐसा करो, पढ़ो करुणा योग में लिखा है। आत्मा के प्रदेशों के कंपन को योग कहते हैं और उनके आत्मा के प्रदेश सबसे ज्यादा कपते हैं। क्यों? क्योंकि स्थिरता तो प्रकट नहीं हुई और अनंत वीर प्रकट हो गया, तो ताकत नहीं हो तो नहीं कप पाए। देखो आदमी को खूब गर्मी लगे, सर्दी लगे, तकलीफ हो तो कांपता है, लूझता है, लूझता है ना। और ताकत हो तो दृढ़ता से बैठा रहता है, नहीं कपता है। आनंद वीर हो जाए और कांपने के पक्ष में तो वो मजबूत खूब जोर से कपता है, कौन है रोकने वाला। तो अरहंत भगवान के सबसे ज्यादा योगों की चंचलता है और उन्हें कर्म से नहीं बनते। और ईर्ष्या समित पूर्वक चलते हुए मुनिराज के पैरों के नीचे आकर जीव मर जाते हैं, फिर भी वे नहीं बनते, उन्हें बंद नहीं होता। क्यों? चार हाथ जमीन देख के चलते हैं ना, चार हाथ क्यों, तीन हाथ क्यों नहीं, दो हाथ क्यों नहीं, भाई साहब पांच हाथ क्यों नहीं, सोचा कभी? चार हाथ जमीन नहीं, शास्त्र में लिखा है। हेमचंद भाई कहते थे गुलाम मार्गी, बस शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, तेरे दिमाग में है कुछ के नहीं। चार हाथ जमीन देख के चलने का मतलब क्या है परमात्म? क्योंकि आंखें जमीन से चार हाथ ऊपर हैं, क्या करें? अब उससे कम में देखे तो बैठ के देखना पड़े। अब इतने ऊपर आंखें रखेगा और यहीं का यहीं देखेगा तो चार हाथ दूर का देखेगा। घुटने में आंखें होती तो हम एक एक हाथ के दूर का देख सकते थे, वे तो है नहीं। तो चार हाथ जमीन देख के चले, जीव तो इतने छोटे भी हैं जो चार हाथ से दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? तो वे तो मर ही जाएंगे ना आकर के। इसलिए ऐसा नहीं है कि चार हाथ जमीन देख के चले तो कोई जीव मरेंगे नहीं है? तो वो जीव मरेंगे लेकिन सावधानी में हैं, अप्रमत्त भाव में हैं, इसलिए उन्हें बंध नहीं होता, शास्त्र में लिखा है। वो पांच इंद्रियों के भोगों में लीन है चक्रवर्ती। मैं तो बता अभी मैं ज्यादा लंबाऊंगा नहीं उसे, तो भी उसे बंद नहीं होता है। ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, अपन पढ़ चुके हैं, उसकी तो निर्जरा होती है। तो चारों बातें वो चार उदाहरण याद हो गए, पूछ लूंगा बता दूं। देखो लड़कियां कह रही हाँ, तुम में से सब शांत हैं। कर्मों से नहीं बंधाऊं का उदाहरण क्या है? सिद्ध भगवान। मन वचन काय की चंचलता से नहीं बंधाऊं का उदाहरण है अरहंत भगवान। चेतन अचेतन की हिंसा से नहीं बंधा है का उदाहरण है मुनिराज ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हुए। और पांचों जी के भोगों से नहीं बंधा है का उदाहरण है छायक सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाला जीव। ये सब जीव इन्हें बंध नहीं होता है। फिर एक दफे पढ़ता हूँ शांति से, वैसे मेरे गाना नहीं आता है, मेरा गला माला है ही नहीं, छोटी सी गली है वो भी ढंग से काम नहीं करती है। कारमान बरगणासो जग में ना बंधे जीव, बंधे न कदापि मने बच काए योग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो ना बंधे जीव, बंधे ना ही पंच इंद्रियन के भोग सो, कर्म सो अबंध सिद्ध योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादि के वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। रागादि के अशुद्ध उपयोग से जीव बनता है। ये बात शुरू की तीन चार गाथाओं में, बंध अधिकार की तीन चार गाथाओं में कैसे बनता है उसकी एक गई है।
अब मैं अभय जी से निवेदन करता हूँ कि दूसरा और तीसरा छंद शांति से पढ़ें। आप लोग ध्यान से देखो अपनी किताब में, उसका अर्थ समझने की कोशिश करो, गारंटी से आएगा, क्योंकि अर्थ में समझा चुका हूँ। हाँ, कर्मों से नहीं बंधा मैं, ना हिंसा से चेतन की, तन मन वचनों से भी मैं अब तक तो नहीं बंधा हूँ, पंचेंद्रिय के भोगों से बंधन में नहीं पड़ा हूँ, रागादिक भावों से ही बंधन में यहाँ पड़ा हूँ। यद्यपि यह सारी दुनिया कर्मों से भरी हुई है, केवलिका योग जगत में सबसे ज्यादा चलता है, जीवों का मरण जगत में तो होता ही रहता है, भोगों को भी रागी जन दिन रात भोगते रहते। एक और पढ़ लो, इसी से जुड़ा हुआ। उनके कारण ज्ञानी को रे बंध नहीं होता है, रे राग द्वेष से बंधते सारे अज्ञानी जग में, सारे संयोग मिले पर यदि राग द्वेष ही ना हो तो बंध नहीं होता है, निर्बंध सदा वे रहते। अब ख्याल में आए ना, बस क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव। अब इसकी गहराई में जाने के लिए कुछ दो तीन बातें और अच्छी तरह से समझ लो, जो तो इसी में से निकल रही हैं। अभी मैं आपको निकाल के बताऊंगा तो आपको निकलती दिखेंगी कि ये कह रहे नहीं बनता है और बनता है। और हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि छठवें गुण स्थान में भी बंद होता है, सातवें में भी होता है, आठवें में भी होता है, इतनी विकृतियों की बंद विच्छुति वहाँ हुई तो वहाँ तक जाकर दसवें गुण स्थान तक जहाँ रागादिक होते हैं तब तक अपने अपने हिसाब से कर्म बनते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। और ये कह रहे कि नहीं बनते, अभी इतना स्पष्ट समझ लो कि चौथे गुण स्थान के पहले जो जो बनता है उसको ही यहाँ बंध कह रहे। ये महामंत्र है क्या? जिन जिन कर्म की प्रकृतियों की बंध विच्छुत